अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक खैर से रखे हमेशा, आमीन। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो मैंने जो लास्ट वीडियो से रिलेटेड है उससे बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने लव बर्ड के बारे में आप लोगों को मशवरा दिया था लगाने का, तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में और मैसेजेस में मुझे कहा कि लव बर्ड में तो चलो हम लगाते हैं पर बाकी परिंदों में क्या प्रॉफिट नहीं है। व्यूअर्स, ऐसी बात नहीं होती कि प्रॉफिट है या नहीं प्रॉफिट। मैंने आपको पहले दिन से ही बताया कि माशाल्लाह कोई भी बर्ड रखेंगे, इवन कि आप एक मुर्गी रख लेते हैं ना देसी या कोई भी, वो भी आपको प्रॉफिट देती है। अंडा दे रही है प्रॉफिट दे रही है, बच्चे निकालेगी तो प्रॉफिट दे रही है, वो मसला नहीं है। प्रॉफिट माशाल्लाह सब में होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ में प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है और किस चीज़ में प्रॉफिट रेशो कम है। ठीक हो गया। और जो मैंने अगर आपको लव बर्ड का कहा है, मैंने किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ना किसी बर्ड को प्रमोट कर रहा हूँ, ना किसी एनीवन बंदे को, इनके मखसूस बंदे को प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको एक ऐसा मशवरा दिया था कि जो आजकल बेरोज़गारी है, बंदा घर में फार्मिंग करे, उससे रोज़ी रोटी कमाए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके, तो इससे इसका हरगिज़ मतलब नहीं था कि मैं किसी एक चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मेरा किसी एक चीज़ को प्रमोट करने का मकसद है। मैं माशाल्लाह हर तरह का बर्ड लगाता हूँ, जहाँ पे जिसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आता है या जिसमें मुझे लगता है कि इसमें मार्केट है या जो भी। खैर, अब जो मौके की बात है वो इसलिए मैंने आपको अल्बिनो का कहा था कि इस टाइम अल्बिनो चल रहा है, पर इसके अलावा म्यूटेशंस में डेकिनो है, क्रीमिनो है, पार ब्लू है और पेल फेलो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब यानी कि वैरायटी में पोटेंशियल है, बिक रहा है। पर मैंने आपको अल्बिनो और लैटिनो इसलिए कहा था कि एक ऐसा आइटम है कि आप छोटे से शहर में भी लगा लेते हैं तो उसमें आप लोगों का अच्छा आराम से बर्ड बिक जाता है। अगर हम बड़ा बर्ड यानी कि और नस्ल का यानी कि और म्यूटेशन लगाते हैं तो वो कुछ इलाकों में उसकी स्पीड कम है बिकने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं हम भावलपुर में हैं, क्रीमिनो कम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं या कम, यानी कि बड़े शहर के नस्बत कम लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने आप लोगों को जो मशवरा दिया है वो मैंने ओवरऑल कहा है, और इन्वेस्टमेंट भी कम है। ठीक हो गया। अब आ गई है बात बड़े बर्ड्स की और लव बर्ड्स के दरमियान में रिज़ल्ट का फ़र्क। जनाब, अगर आप काठा लगाते हैं या एनी वन रिंग नेक कलर लगाते हैं या पहाड़ी लगाते हैं या इसके अलावा तो दूसरे बर्ड्स आ जाते हैं, सनकनोर, कनोर फैमिली में, ये सब, ये आपको सीज़न में दो क्लच देते हैं, सीज़न में रेगुलर दो क्लच। थर्ड क्लच वाला पेयर बहुत कम होता है, ठीक है, और दो क्लच वाले बर्ड्स जो हैं मेजॉरिटी में होते हैं, पर अगर वो मौसम के मुताबिक अगर आपको ब्रीड देते हैं तब, अगर वो बर्ड्स आपके लेट चलते हैं तो वो दो क्लच की जगह एक क्लच आ जाता है, और वो एवरेज चार अंडे देते हैं। कोई बर्ड होता है पाँच से छः अंडे देता है, कोई सात भी देता है, काठे में तो अमूमन छः सात देते हैं, मैं पहाड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो अगर आपको मैं मिसाल के जैसे मैंने आपको फार्मूला लव बर्ड में समझाया था, वही कुलिया फार्मूला आपको बड़े बर्ड्स के मुतालिक बता रहा हूँ, सबके साथ ही एक ही बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपको चार अंडे देते हैं और चार बच्चे ही निकालते हैं, तो वो आपको चार बच्चे, अब इस सीज़न में साढ़े छः सात हज़ार से स्टार्ट था बर्ड का यानी कि पट्ठे का रेट, हम एवरेज साढ़े सात ही रख लेते हैं, तो ये आपके बन गए हैं जी 30,000 रुपये, साढ़े सात हज़ार के हिसाब से। अगर वो दो क्लच देते हैं तो वो हो जाते हैं 60,000 रुपये के, ठीक है। बर्ड जो पिछले सीज़न जिन लोगों ने लिए हुए थे बर्ड यानी कि पहाड़ी मुझ समेत, हमने 65 और 70 की रेंज में लिया था, पर आज पहाड़ी का रेट गिरा हुआ है, कम है, पर हम 60-70 के हिसाब से रेट लगा लेते हैं ना, परचेज़ तो वही है। तो अगर हमने 70,000 का बर्ड लिया है या 60,000 का लिया है तो हमारे पास 60,000 के बच्चे आए हैं एक सीज़न में, बर्ड के पैसे पूरे हुए हैं, बर्ड फ्री हुआ है, ठीक है। अभी इसमें हमने खाने के और उसके बाकी चीज़ों के पैसे नहीं लगाए, वो अगले सीज़न आप कवर करेंगे। और अगर मौसम का इफ़ेक्ट पड़ता है, ब्रीड आपकी लेट हो जाती है, तो वो जो दो क्लच थे वो एक क्लच पे आ जाएगा, और जब वो एक क्लच पे आएगा तो ज़ाहिर गर्मी अगर जल्दी पड़ गई है या गर्मी के टाइम अंदर ब्रीड दी है तो उसमें अंडे डेड इन शेल भी होंगे, मोर्टेलिटी भी होगी, ये सारी चीज़ें हैं। सिर्फ मैंने आप, क्योंकि मैं कहते हैं ना मशवरा देना सुन्नत है और अच्छा मशवरा सबको देना चाहिए, उसकी वजह से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। मैंने लव बर्ड का इसलिए कहा था कि लव बर्ड में हमने मेजॉरिटी यानी कि मोर्टेलिटी भी निकाली थी और ऑफ सीज़न
और सीज़न का इफेक्ट भी निकाला था सारा कुछ, फिर जाके हमें अच्छी यानी कि सीज़न में ब्रीड का रिजल्ट मिला था फार्मूला फार्मूले के हिसाब से। तो यही बात मैं आपको दोबारा समझाना चाह रहा हूँ कि अब हम अगर बड़ा लगाते हैं, उसने दो क्लच देने हैं, दो क्लच में उसने बच्चे 8 देने हैं, सबसे अच्छे बच्चे 8 हैं चार चार करके, जबकि वो 6 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं। हमने तो एक रफली आइडिया लगाते हैं ना, तो उसकी कीमत के मुताबिक हमारे बर्ड के पैसे पूरे नहीं होते। अगर पैसे पूरे सूरे होते हैं तो बाकी खर्चा नहीं निकलता, तो वो अगले सीज़न पे जाके बात पहुंचती है। अब हमने जब लव बर्ड लगाया है, लव बर्ड ने 3 से 4 क्लच देने हैं, हम 4 क्लच लगाते ही नहीं हैं, हम लगाते हैं 3 क्लच। 3 क्लच अमूमन देते हैं अक्टूबर दिसंबर और फरवरी, यानी ये गैप मैं आपको बता रहा हूँ, इस मौसम में वो हमें इस हिसाब से बच्चे देंगे। जब वो पहला क्लच देंगे तो 1.5 से 2 महीने बाद दूसरा क्लच देंगे, फिर 2 महीने बाद तीसरा क्लच देंगे, इस हिसाब से मैंने आपको लगाया। यानी कि फरवरी मार्च तक हमारे पास तीसरा क्लच आ जाता है, और अगर जिसके पहले चल गए हैं सितंबर में चल गए हैं तो उसके पास 4 क्लच भी आ जाते हैं। तो चार, ये 4 अंडे देते हैं, 6 अंडे देते हैं, 7 अंडे देते हैं, पर मैंने एवरेज 4 की लगाई थी, ठीक है। और आखिरी क्लच में मैंने मोर्टैलिटी भी लगाई थी जो ओवरऑल सीज़न पर पड़ती है, उस हिसाब से माशाल्लाह आपको लाखों रुपये का फ़ायदा हुआ था। तो हमारे बर्ड के पैसे भी पूरे हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इस ये जो छोटा बर्ड होता है, इसने स्पीड में बच्चे निकालने होते हैं, स्पीड में बच्चे पालने होते हैं, और इस पे मौसम इफ़ेक्ट कम करता है। सर्दी गर्मी से बचाना ज़रूर होता है, वो तो हर बर्ड को बचाना होता है। अब जो हमारा बर्ड है पहाड़ी से रिलेटेड, तो वो हमारे पास जब तक जनवरी फरवरी नहीं पड़ता तो वो बच्चे नहीं देते, अंडे बच्चे नहीं देते। अमूमन जो ओरिजिनल पेयर है ना जंगली, ये सीज़न में एक दफ़ा ही ब्रीड करता है और एक दफ़ा ही बच्चा पालता है। हम लोग फार्मर हैं, लालची हैं, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनको मल्टीविटामिन देते हैं, उनको मस्नूई इन्वायरमेंट देते हैं, फिर जाके उनसे ब्रीड लेते हैं। और वो ब्रीड यानी कि बच्चा जब पैदा होता है ठीक 15 से 20 दिन के बाद हम उसे उठा लेते हैं ताकि वो दोबारा ब्रीड पर आ जाए। जबकि ओरिजिनलिटी में अल्लाह ताला ने जो कुदरत में नेचर में उनके रखा है, वो उन्होंने सीज़न में एक दफ़ा बच्चा अंडा देना है, वो चाहे 4 अंडे हों या 6 हों, उन्हीं बच्चों में से बच्चे निकलने के बाद उनको पालना है। वो फ्लाइंग में आते हैं, सीज़न ऑफ हो जाता है, वो एक सीज़न में एक क्लच देते हैं। पर हम लोग फार्मर्स ने मेडिसिन सप्लीमेंट्स देकर एनवायरमेंट देकर उनको 2 क्लच से 3 क्लच तक का लेने की कोशिश करते हैं। खैर ये तो हमारे फार्मर्स की एक फितरत कह लें या हमारा कारोबार का हिस्सा कह लें, वो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। 20-25 दिन का बच्चा उठा लेते हैं, उसे सेल कर देते हैं या हैंड फीड पर ले आते हैं, बाकी दोबारा उनको रिफ्रेश करते हैं ताकि ब्रीड के लिए आ जाएं। पर जो लव बर्ड में है इस तरह का सिलसिला नहीं होता। लव बर्ड में लोग फॉस्टर करते हैं हल्के बर्ड्स लगाने के बाद उसके आगे करने के, पर वो कहानी लंबी होती है, उसका तरीका मैं आपको दोबारा अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था या जिन भाइयों के दिल में ख्याल था कि बड़ा बर्ड लगाने में फ़ायदा नहीं है या छोटे बर्ड में लगाने का फ़ायदा ज़्यादा है, या जो भी, ये सिर्फ इसलिए वीडियो बनाइए कि बड़े बर्ड की निस्बत लव बर्ड में कितना फ़ायदा है। और मेरे हिसाब से आजकल के दौर में लव बर्ड में ज़्यादा फ़ायदा है, ख़र्चा कम है, देखभाल कम है और फ़ायदा ज़्यादा है। इस हिसाब से मैंने आप लोगों को मशवरा दिया था, क्योंकि मैंने आपको पहले जिक्र किया मशवरा एक सुन्नत है और सही मशवरा देना चाहिए। और ये मशवरा मैंने आप लोगों को जब दिया है तो लाजमी बात है मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, अपने ज़ाती लाइफ के मुताबिक आप लोगों को वीडियोज़ में हर चीज़ बताता हूँ, चाहे वो ब्रीडिंग के हिसाब से बर्ड हो या कोई भी एनी वन चीज़ हो, मैंने अपने तजर्बे के बेस पर ही आपको बताता हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैंने इस्तेमाल की है ब्रीडिंग के लिए, दवाइयाँ या उनके देखभाल के लिए फीड या कुछ भी, या एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से आप लोगों से शेयर करता हूँ, और जो मेरे साथ उसका रिज़ल्ट होता है वही भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसी बिना पर मैंने आप लोगों को लवबर्ड का मशवरा दिया था, और लवबर्ड में अल्बिनो और लटिनो का कहा था, ये एक इकॉनमी रेट में आप लोग रख सकते हैं, कम सरमाए में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर लवबर्ड में आप मज़ीद कलर रखना चाहें वो आपके सरमाए के और आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इंशाल्लाह मैं बाकी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा वक्त के साथ साथ म्यूटेशन के हिसाब से। पर फिलहाल जो चीज़ इस टाइम इन है और मौके पे बिकने वाली चीज़ है कि जैसे ही आप किसी से जिक्र करें भाई अल्बाइनो बेचना है रेड आई में,
फ़ौरन बिकेगा, सिपलेट में फ़ौरन बिकेगा, लटिनो रेड आइस पर्सनाटा में फ़ौरन बिकेगा। बाकी बर्ड भी बिक रहे हैं पर उनका ज़रा रेट और डिमांड ज़रा कम है। ठीक हो गया यानी कि शहर और इलाके के हिसाब से, इसलिए मैंने आप लोगों को अल्बाइनो कहा था। बाकी लवबर्ड में जितनी एक्साम रखेंगे सब ही का फार्मूला इसी तरह अप्लाई कर लें, जिस तरह का उसका रेट होगा उस हिसाब से आपको ब्रीड मिलेगी, उसका रिज़ल्ट उसी हिसाब से होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो बर्ड का अब आपको क्लियर हो गया, बड़े बर्ड की नस्बत छोटे में मैंने आपको क्यों कहा था, और बड़े बर्ड से मेरा कोई वो लमाफ करने नाराज़गी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको मौके के हिसाब से और उनके रेट के और ब्रीडिंग रिज़ल्ट के हिसाब से आप लोगों को मशवरा दिया था। बाकी जिन व्यूअर्स को कोई मज़ीद दोबारा कुछ पूछना हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उससे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह उनकी कोई भी यानी कि इस तरह की बात होगी वो कमल रहन भाई के साथ उनके क्लियरेंस की जाएगी, ताकि वो अपने कारोबार को शौक को परवान चढ़ा सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी कीजिएगा बताइएगा, और लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।